चलिए आज के वीडियो में हम कुछ बेस्ट साउंड बार के बारे में बात करेंगे। वैसे आज के वीडियो में बनाने का कारण ये है क्योंकि साउंड बार खरीदते वक्त अक्सर ही लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है किस ब्रांड का खरीदा जाए, साउंड बार के साथ सब ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने वॉट का खरीदा जाए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में जितने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अपने साउंड बार मार्केट में उन्होंने लॉन्च किए हुए, भी इसमें कैसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितने वॉट का खरीदना है, किसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, किसका अच्छा साउंड का मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजों को लेके आज मैंने आपके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10,000 रुपए के प्राइस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों जितने भी साउंड बार मैं आज आपको बताने वाला हूं इनका रिव्यू के साथ साथ इसके साउंड के एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मैंने भी कुछ साउंड बार का एक्सपीरियंस किया हुआ। तो अगर आपको अपने लिए कुछ एक बेस्ट साउंड बार चाहिए तो आज की वीडियो आज के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि 10,000 रुपए के प्राइस के अंदर कौन से साउंड बार है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल है टेक 24 बाई 7। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कुछ बेस्ट साउंड बार के बारे में जो आप खरीद सकते हैं अमेजोन से 10,000 रुपए के प्राइस के अंदर। दोस्तों पहला जो साउंड बार जो निकल के आता है वो मेरे लिस्ट में है, वो है बोट अवन बार। और दोस्तों बोट अवन बार एक ऐसा साउंड बार है जिसकी फीचर के साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है इस साउंड बार को लेकर। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसकी कुछ क्या स्पेसिफिकेशन है और आपके लिए ये कैसे बेहतर है और क्यों ये मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है। पहला दोस्तों इसमें मुझे मिल जाता है 160 वॉट का साउंड आउटपुट, साथ ही यहां पर आपको 2.1 चैनल मिलता है। इसके अलावा यहां पर जो कनेक्टिविटी का जो मुझे ऑप्शन मिल जाता है वो है यहां पर ब्लूटूथ, साथ ही यहां पर आपको मिल जाएगा HDMI आर्क और ऑक्स केबल के साथ साथ आप यहां पर USB भी कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर जो ऑप्टिकल का भी यहां पर आपको पोर्ट आपको मिलता है। और जहां तक कि इसकी मैं साउंड आउटपुट के बारे में मैंने बताया तो वो आपको यहां पर मिल जाता है, टोटल 160 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। सब वूफर और साउंड बार जो है ये दोनों मिलाकर आपको हो जाता है 160 वॉट का। और इसकी कीमत जो है दोस्तों वो करीब आपको मिलेगी वो 9,999 रुपए का प्राइस में विद GST आपको ये Amazon मिल जाएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। सारे दोस्तों जितने भी मैं आपको साउंड बार बता रहा हूं सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आपको कौन सा पसंद आता है आप जाके डायरेक्टली जो है उस लिंक पे आप क्लिक करके आप Amazon में चेक कर सकते थे। और ये है हमारे दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पे बोट अवन बार 2050। और दूसरे नंबर का जो साउंड बार जो निकल के आता है वो ज़ेब्रोनिक ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है वो है ड्यूक बार 6001। और इसकी चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला मुझे इसमें मिल जाता है 160 वॉट का यहां पर मल्टीमीडिया साउंड बार मिल जाएगा, साथ ही मुझे यहां पर मिल जाता है रिमोट। और रिमोट दोस्तों पहले वाले साउंड बार में भी अवेलेबल था, मैंने आपको बताना भूल गया। और पहले वाला जो आपको मैंने साउंड बताया था बोट अवन बार, उसके साथ भी आपको रिमोट मिलता है। और ये जो दूसरा नंबर पे इसमें भी आपको ज़ेब्रोनिक का जो ये जेब बार जो है इसमें भी आपको रिमोट मिलता है। और इसकी कीमत है दोस्तों वो 10,000 के प्राइस में आपको ये अमेज़न में मिल जाएगा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये था हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे ज़ेब्रोनिक कंपनी का ज़ेब्ज़ुक बार 6001। और तीसरे नंबर का जो साउंड बार निकल के आता है वो है इन्फिनिटी सोनिक, और ये जो मॉडल नंबर है वो है 200WL। और इन्फिनिटी सोनिक दोस्तों हरमन कार्डिन का ब्रांड है और आपको पता ही होगा कि हरमन कार्डिन के जितने भी जो मार्केट में अवेलेबल है साउंड बार हो गए, चाहे कोई भी साउंड सिस्टम हो गया, इसका काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है और काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस रहता है। अब चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहला मुझे मिल जाता है यहाँ पर 160 वॉट का 2.1 चैनल वाला वायरलेस ब्लूटूथ साउंड बार, साथ ही साउंड बार में जो कनेक्टिविटी आपको मिलेगा वो है ब्लूटूथ का ऑक्स और आपको यहाँ पर USB कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये साउंड बार के साथ साथ आपको मिल जाता है रिमोट, यानी कि साउंड बार मिलता है उसके साथ आपको सब वूफर मिलता है और साथ में आपको रिमोट भी मिलेगा। और इसकी जो कीमत है वो है 8,999 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ मुझे इस साउंड बार में मिसिंग लगा वो है पहला जो है ऑप्टिकल इन और दूसरा जो है यहाँ पर HDMI आर्क पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो HDMI आर्क पोर्ट और ऑप्टिकल इन वाला इनपुट वाला आपको कोई साउंड बार चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर इन्फिनिटी सोनिक। और चौथे नंबर का जो साउंड बार जो निकल के आता है वो है ब्लॉपंक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों ब्लॉपंक एक ऐसा ब्रांड है, इसके सारे साउंड बार काफ़ी अच्छे रिव्यू वाले भी हैं और साथ साथ इसकी जो साउंड बार की जो क्वालिटी है, मतलब जो साउंड की जो क्वालिटी है काफ़ी आपको रिच और काफ़ी क्लियर आपको मिलेगी। और ये जर्मन ब्रांड है ब्लॉपंक। और इसके चलिए कुछ डिटेल हम जान लेते हैं और जानते हैं कौन सा मॉडल ये। पहला जो ये मॉडल नंबर है वो दोस्तों वो है SBW
200 और इसके चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला मुझे मिलता है इसमें 160 वॉट का 2.1 चैनल वाला ये वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर और इसके चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। वैसे ये दो मॉडल में अवेलेबल है, पहला है 160 वॉट और दूसरा है 120 वॉट और थोड़ा प्राइस डिफरेंस भी आपको मिलेगा। और 160 वॉट वाला मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ, उसका मैं स्पेसिफिकेशन पहले बता देता हूँ आपको कि इससे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहला सब मुझे मिल जाता है वायरलेस सब ऊपर, साथ ही यहाँ पर अब मुझे जो कनेक्टिविटी मिलता है वो है HDMI, ARC, USB, ब्लूटूथ और ऑक्स, इनका यहाँ पर मुझे कनेक्टिविटी मिलता है। और साथ ही दोस्तों इसमें मुझे मिल जाएगा सब ऊपर और साथ में यहाँ पर मुझे मिल जाता है साउंड बार और इसके अलावा मुझे एक चीज़ और यहाँ पर मिल जाता है वो है रिमोट। तो रिमोट, साउंड बार और सब बूफर ये आपको एक साथ आपको इसमें सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो कीमत है वो है 7,999 रुपये। तो दोस्तों ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ये साउंड बार है और आपको अगर कोई ऐसा 8,000-9,000 का प्राइस में चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो ये था हमारे इस पर चौथे नंबर पर साउंड बार और पांचवें नंबर का साउंड बार निकल के आ रहा है वो दोस्तों वो ज़्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन अभी नया जो है वो अमेज़ॉन में भी लिस्टेड हुआ है और काफ़ी टाइम से मैंने भी उसका रिव्यू देखा हुआ है और इसके एक्सपीरियंस भी मैंने साउंड की है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द वो भी बेस्ट एक ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट पे मैंने लेके आया कि चलिए पाँच में ऐसे आपको साउंड बार बताऊँ कि वन ऑफ द बेस्ट है, उसमें ये पाँचवें नंबर पर है। और ये जो साउंड बार है दोस्तों वो है क्रिएटिव स्टेज और इसके चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला जो है ये 2.1 चैनल वाला 160 वॉट का साउंड बार है जिसमें साउंड बार के साथ साथ आपको सब बूफर मिल जाता है, यानी कि 80 वॉट का जो है 80 वॉट का आपको साउंड बार मिलेगा और 80 वॉट का सब बूफर। ये सारे जितने साउंड बार बताए मैंने दोस्तों सभी में आपको वैसे ही मिलेगा, मतलब 80 वॉट का आपको सब बूफर और 80 वॉट का जो है आपको साउंड बार और ये दोनों के कंबाइन करके जो है 160 वॉट आपको मिलता है। इसके अलावा इस साउंड बार के चलिए कुछ फीचर्स जान लेते हैं। पहला इसमें जी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, इसमें मुझे मिल जाता है ऑप्टिकल इनपुट, ब्लूटूथ, टीवी आर्क और ऑक्स, इनका यहाँ पर कनेक्शन मुझे मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप रिमोट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको अगर माउंट करना है वॉल पे तो वॉल पे भी बड़ी आसानी से आप इसको माउंट कर पाएंगे और इसकी जो कीमत है वो है 6,499 रुपये। और आपको अगर मान लीजिए 6,500-7,000 के प्राइस में खरीदना है तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप इसका अगर अमेजोन में जाके भी रिव्यू देखेंगे तो ये दोस्तों अमेजोन चॉइस में लिस्टेड है, यानी कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस साउंड बार को, रिव्यू भी काफी अच्छा है इस साउंड बार को लेके। और इसकी जो कीमत तो मैंने आपको बता ही दी थी, करीब आपको 6,500 का प्राइस में आ रहा है। वैसे ये दोस्तों अलग अलग मतलब ये मतलब वॉटेज में भी अवेलेबल है। पहला मैंने आपको बताया वो 160 वॉट का जिसका प्राइस था 6,499 रुपये, लेकिन यहीं पर जो है आप इसमें दोस्तों इसका जो दूसरा मॉडल आप देखेंगे 160 वॉट का क्रिएटिव स्टेज V2, उसका प्राइस है आपको 7,999 रुपये, यानी कि थोड़ा सा आपको 1,500 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि साउंड बार में थोड़ा सा आपको मॉडल चेंज मिलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है। और आप देख लीजिए आपको कौन सा खरीदना है। वैसे आप ये 6,500 वाला भी जो मैंने आपको बताया क्रिएटिव स्टेज का वो भी आप खरीद सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरे हिसाब से पांच ऐसे साउंड बार जो 10,000 रुपये का प्राइस करना हो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, मैं आपको बताता हूँ ये पांचों में से। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा पहला जो है बोट अवंट बार और दूसरा जो है वो है ब्लॉपंक्ट, और ये दोनों ही मॉडल दोस्तों मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। और वैसे आपको कौन सा पसंद है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा भी अगर आपको साउंड बार खरीदने के वक्त जो जानकारी चाहिए तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें वहाँ पर ही मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको साउंड बार के साथ साथ अगर आपको और भी किसी गैजेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे दूसरे वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं बेस्ट टीवी को लेकर, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सारे जितने भी दोस्तों गैजेट्स हैं सभी को लेकर मैंने मोस्टली मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और आपको अगर कोई ऐसा कोई गैजेट खरीदना है और आपको स्पेशली कोई आपको वीडियो ऐसा चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी आने वाले टाइम में वीडियो में जरूर बना दूंगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा और इस तरह का टेक्नोलॉजी जो नया वीडियो हम हर दिन लेके आते रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी वीडियो नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो का आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।